भिवंडी शहर में लोकसभा का चुनाव गर्माता जा रहा है और अब से 5वें दिन भिवंडी शहर में सवेरे 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नीलेश भोयर वल ग्राम पंचायत से, और 21 तारीख को इनके बीएन संदीप जो महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी हैं भिवंडी शहर में, उनका कई दौरा हो चुका है चुनाव को लेकर। नीलेश भोयर ने उनके साथ में रहकर पूरा कार्यक्रम करके चुनाव का जो प्रचार का कार्यक्रम था वो पूरा किया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। भोयर जी, ये बताइए कि वल ग्राम पंचायत भिवंडी शहर से लगकर है और बड़ा कारोबारी क्षेत्र है वो, गोडाउन का चुनाव भी सामने है, तो क्या लग रहा है? ग्रामीण पर आपकी नज़र है और भिवंडी पर भी है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस के बारे में आपको? जो 21 तारीख को रैली निकाला था कांग्रेस की तरफ से, कहाँ से निकले? अम्बा कांबे गांव से निकला था जो रैली, खारबाव की तरफ से वो अंजूर फाड़ा तक आई थी रैली। उसमें लगभग 100 गाड़ी फोर व्हीलर और 2000 पब्लिक उसमें इन्वॉल्व थी। और जो टावरेज हमारे उम्मीदवार है सुरेश जी टावरे साहब और कोकन के प्रभारी बी एन संदीप साहब, वो रैली में सहभाग हुए थे। और उसमें लोगों का जो प्रतिसाद था, जिस जगह जाओ उस जगह खाली लोग टावरे साहब को आशीर्वाद दे रहे थे कि आप जीत जाएंगे, यही ये था। और जिधर जाओ उधर जो गांव के नाके के ऊपर जाओ, वहाँ आतिश पटाखे के आतिशबाजी होके उनकी उनका स्वागत करते थे लोग। टावरे साहब के बारे में, आप जो भिवंडी लोकसभा 23 के जो मतदार है, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे भिवंडी शहर में हो, उनके बारे में आप अपनी तरफ से उनसे क्या कहेंगे? मैं भिवंडी की तमाम आवाम को एक टावरे साहब के बारे में सलाह देना चाहता हूँ कि मशवरा देना चाहता हूँ कि जो टावरे साहब 2009 और 14 के बीच में जब एमपी रह चुके हैं, तब जो माहौल था भिवंडी में, अपने कारखाने भिवंडी तो लूम के कारखाने में जाना जाता है, उस टाइम का जो तेजी था वो अभी नहीं है बीजेपी सरकार के इसमें। और जब टावरे साहब एमपी थे 2009 के 14 के इसमें, तो टावरे साहब ने बहुत सारे काम किए। और जो मानकुली नाका का ब्रिज हो गया, रांझाली नाका का फ्लाईओवर हो गया, वो फ्लाईओवर आज तक वो काम अधूरा है। मतलब जो कांग्रेस सरकार में जो गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए। ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब लोग आगे बढ़े तो देश में जो बड़े बड़े घोटाले हुए वो सब गुजरातियों ने किए। देश के बड़े बड़े पदों पर जो लोग लाए गए, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन थे वो भी गुजराती थे। घोटाले बाद जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं भारत से भागकर, कई हजार करोड़ रुपए घोटाला इन लोगों ने किया, ये सारे के सारे लोग गुजराती रहे। तो समझ में ये नहीं आ रहा है देश की जनता को, देश के मतदाताओं को, कि ये बड़े बड़े घोटाले करके भागने वाले जो ये गुजरात के लोग हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है कि पूरे देश पर सिर्फ गुजरात के लोगों का ही कंट्रोल रहे? कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं भिवंडी की तमाम आवाम को दरख्वास्त करूंगा कि सुरेश जी टावरे साहब को, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट से विजय करो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BSS चैनल।